दोस्तों हरियाणा रोडवेज से जुड़े जो आपके सवाल हैं, क्योंकि आपने काफ़ी वीडियो के नीचे कमेंट किए हुए हैं, तो आज आप सभी के सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। अगर आपने भी कोई क्वेश्चन किया है तो शायद आपके भी क्वेश्चन का जवाब इसी वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक योगी स्मार्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, शायद नेक्स्ट वीडियो में आपका जो सवाल है वो पिक हो जाए, लेकिन सवाल आपका यूनिक होना चाहिए। आइए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है आपका, जो लगातार आपके कॉमेंट आ रहे हैं कि भाई हरियाणा रोडवेज में नई भर्तियाँ कब आएँगी, और बार बार आप ये कमेंट करते हैं कि भाई हरियाणा रोडवेज में नई भर्तियाँ कब आएंगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए सीईटी को ज़रूरी कर दिया है। सीईटी का एग्ज़ाम होने के बाद आपकी कंडक्टर के पदों पर भर्तियाँ आ सकती हैं, और ड्राइवर के पदों पर भी भर्तियाँ आएंगी और कंडक्टर के पदों पर भी भर्तियाँ आएंगी। सबसे पहले तो अपने सीईटी को पास करना होगा। सीईटी पास करने के लिए आपको कम से कम भी 40% जो अंक हैं वो ले हासिल करने होंगे, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50% अंक जो हैं वो हासिल करने होंगे। उसके बाद ही आप आने वाली भर्तियों में जो है आप अप्लाई कर सकेंगे। और दोस्तों 2023 में और 2024 में काफ़ी पदों पर आपकी भर्तियाँ आने वाली हैं, इसलिए अगर आपने अभी तक सीईटी की तैयारी नहीं की है तो आप सीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। और सभी हैंडराइटिंग के जो नोट्स हैं वो हमने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रखे हैं, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लगातार ये भी कमेंट आ रहा है कि भाई हरियाणा रोडवेज में नई बसें आएंगी या फिर नहीं आएंगी। तो दोस्तों आपने कुछ समय पहले देखा भी होगा, हरियाणा रोडवेज में 809 नई बसें आने की बात कही गई थी, लेकिन 809 में से तो सिर्फ एक ही बस आई है अभी तक, जो कि हरियाणा राज्य परिवहन गुरुग्राम डिपो में है। आपने सोशल मीडिया पर उसकी काफ़ी फ़ोटो वीडियो देखे भी होंगे। सिर्फ दोस्तों हरियाणा में एक ही बस आई है जो अशोका लेलैंड की है, और जो टाटा की बस बनी हुई है वो भी ट्रायल के लिए बनाई गई थी, वो पंचकुला डिपो को दी जाएगी, लेकिन अभी तक वो पंचकुला डिपो में भेजी नहीं गई है। जल्द ही उसको पंचकुला डिपो में भी भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है कि जल्द ही हम जो है बेड़े में नई बसों को शामिल करने जा रहे हैं, और इसमें अब इलेक्ट्रिसिटी जो बस हैं वो भी इसमें शामिल की जाएंगी। और आने वाले समय में दोस्तों क्या है, जो बसें होंगी वो चेचस नहीं लिए जाएंगे हरियाणा रोडवेज के द्वारा, सीधी कंपनी से ही बॉडी बनी बनाई जो है आपकी बसें ली जाएंगी। जिस प्रकार से अपने जो मिनी बसें हैं, जो आइसर कंपनी की मिनी बसें हैं पिंक कलर की, वो देखी होंगी, उसी प्रकार से ये बड़ी बसें होंगी, लेकिन इनकी जो बॉडी है वो बनी बनाई आएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भाई हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर पदों पर जो भर्ती आई थी पीछे, उसकी वेटिंग लिस्ट जो है वो क्लियर होगी या फिर नहीं होगी। तो दोस्तों इसकी वेटिंग लिस्ट को लेकर जो हमें जानकारी मिली है, जो परिवहन शर्मा मूलचंद शर्मा ने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि भाई अगर हरियाणा रोडवेज में नई बसें आ जाती हैं ये, तो उसके बाद अगर स्टाफ की कमी होती है तो हम उस क्लर्क भर्ती की कंडक्टर भर्ती की जो वेटिंग लिस्ट है उसको भी जारी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट ये नहीं बताया कि हम इसको जारी करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो लगातार ये आ रहा है दोस्तों कि हरियाणा रोडवेज में किलोमीटर स्कीम के तहत नई बसें आएंगी या फिर नहीं आएंगी। तो दोस्तों आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा पंजाब केसरी जो यूट्यूब चैनल है उस पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया है कि हम जल्द ही 1000 जो बसें हैं वो किलोमीटर स्कीम के तहत लेने का जो है काम कर रहे हैं, और जल्द ही इसके जो टेंडर हैं वो भी जारी कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों अभी तक तो कोई टेंडर जारी नहीं हुए हैं, अगर भविष्य में टेंडर जारी होते हैं तो इसकी जानकारी भी हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो हरियाणा रोडवेज में चालक परिचालक और हेल्पर के पदों पर जो भर्तियाँ आने की बात कही जा रही थी, जो कि अस्थायी भर्ती थी आपकी, वो फिर बंद कर दी गई थी। 2-4 दिन तो आपके जो है डॉक्यूमेंट्स जमा हुए थे, लेकिन बाद में उसको बंद कर दिया गया था, और अब उसको दोबारा से शुरू किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये एक बात कंफर्म कर देता हूँ, काफ़ी कमेंट उस समय ये भी आ रहे थे कि भाई उस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों वो अस्थायी भर्ती थी आपकी, क्योंकि सरकार को जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी
उस समय ही आपको बुलाया जाएगा। ये नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए और आपकी 5 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद आपको डायरेक्टली लगा लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो कर्मचारी पहले से लगे हुए हैं, अगर वो कर्मचारी हड़ताल पर होते हैं, उस दौरान आपको बुलाया जाएगा। जैसे आपने अब जो हड़ताल हुई थी उस समय देखा था, हरियाणा रोडवेज की सभी बसें जो हैं वो खड़ी थी, लेकिन किलोमीटर स्कीम के तहत जो बसें थी वो चलाई जा रही थी, ताकि पब्लिक को भी ये लगे कि भाई हड़ताल हमने फेल कर दी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, खाली बसें घूम रही थी वो, ये तो जनता भी जानती है, जनता पागल तो है नहीं, ये तो आपको भी पता है कि खाली बसें दौड़ाई जा रही थी सड़कों के ऊपर। लेकिन दोस्तों जब तक आप सब कर्मचारियों के साथ नहीं होंगे, जब तक सरकार जो है आपके बारे में कुछ नहीं सोच सकती, क्योंकि सरकार अगर हरियाणा रोडवेज परिवहन बेड़े में 5,000 नई बसें लाती है तो उसके हिसाब से आपकी नई भर्तियां भी करवाई जाएंगी। तो दोस्तों इस पर तो मैंने ऑलरेडी आपको मोटिवेट किया हुआ है कि भाई आप भी कर्मचारियों का साथ दीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में हरियाणा रोडवेज में पक्की भर्तियाँ आ सकें। तो दोस्तों ये कुछ आपके मेन क्वेश्चन थे। आप भी अगर आपका कोई सवाल है तो #योगी लगाकर आप अपना यूनिक सवाल पूछ सकते हैं, शायद अगली वीडियो में आपका जो सवाल है वो पिक हो जाए। तो दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।